दोस्तों, क्या अभी घर बैठे मतदान सूचना पर्ची को डाउनलोड करना चाहते हो? ये मतदान सूचना पर्ची आपको जो था इस प्रकार देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये देख लीजिए, ये मतदान सूचना पर्ची जो था आपको इस प्रकार देखने को मिलने वाला है। इस मतदान सूचना पर्ची में आपको जो था विधानसभा क्षेत्र, आपका जो था भाग नंबर, भाग का नाम एवं आपका जो था पोलिंग स्टेशन कहाँ है, अर्थात आपका वोट जो था किस जगह पड़ने वाला है, सारी जानकारियां जो था आपको मतदान सूचना पर्ची में मिलने वाला है। लेकिन आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आप जो था इस मतदान सूचना पर्ची को कैसे डाउनलोड करो। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, इस मतदान सूचना पर्ची को आप बहुत ही आसानी तरीके से डाउनलोड कर सकते हो, जिसके लिए आपको जो था कुछ अपने पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड करने हैं, जैसे कि आपका नाम हो गया, आपका फादर्स नेम डालकर जो था आप इस मतदान सूचना पर्ची को बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास जो था वोटर कार्ड होगा तो आप जो था वोटर कार्ड के इपिक नंबर को डाल के भी जो था आप इस मतदान सूचना पर्ची को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में जानेंगे कि आप भी जो था इस मतदान सूचना पर्ची को कैसे डाउनलोड करोगे। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करके इसके सर्च बार में सर्च करना है https://voters.eci.government.in, आपको जो था सर्च कर लेना है। तो आप देखिए कि वोटर सर्विस पोर्टल का जो था ऑफिशियल वेबसाइट आपको इस प्रकार देखने को मिल जाता है। इस पेज को आपको स्क्रॉल डाउन होते हुए नीचे चले आना है। तो आप देखिए कि सर्विसेज करके आपको एक सेक्शन देखने को मिल जा रहा है, जहां पर आपको तीसरे नंबर पर सर्च इन इलेक्ट्रोल रोल करके एक ऑप्शन होगा और आपको इस ऑप्शन को टैप करके ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको टैप करके ओपन करोगे तो ये आपको जो एक नए पेज में आपको देखने को मिल जाता है। इस पेज में आप जो है वोटर लिस्ट को अर्थात मतदान सूचना पर्ची को जो है तीन तरीके से सर्च कर सकते हो। पहला इपिक नंबर, जिसको कि वोटर कार्ड नंबर भी कहा जाता है। दूसरा सर्च बाय डिटेल्स, अर्थात इस पेज में जो था कुछ अपने पर्सनल डिटेल्स, जैसे कि जो था अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपने फादर्स नेम, या फिर अगर आप मैरिड होगे, लेडीज होगे तो आप अपने हस्बैंड का नेम प्रोवाइड करके एवं डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड करके जो था आप जो था वोटर लिस्ट अर्थात जो था मतदान सूचना पर्ची को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप ये दोनों चीज को प्रोवाइड नहीं करना चाहते हो, इसके अलावा अगर आप अपने वोटर कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करके रखे हो तो आप जो था मोबाइल नंबर एंटर करके भी वोटर लिस्ट को जो है मतदान सूचना पर्ची को जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं जो था आपको इपिक नंबर के थ्रू जो है वोटर लिस्ट अर्थात मतदान सूचना पर्ची डाउनलोड करने सिखाता हूँ। जिसके लिए होता है सबसे पहले आपको जो था इपिक नंबर इस सेक्शन में जो था एंटर कर लेना है। इपिक नंबर, जिसको की जो था वोटर कार्ड नंबर भी कहा जाता है। इपिक नंबर एंटर कर लेने के बाद उसके जस्ट नीचे आपको अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है। राज्य को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको उसके जस्ट नीचे जो है एक कैप्चा कोड देखने को मिल जाता है और आप उस कैप्चा को जो है कैप्चा वाले सेक्शन में जो है सही से आपको फिलअप कर लेना है। कैप्चा को एंटर कर लेने के बाद आपको बॉटम साइड में होता है सर्च करके एक ऑप्शन होगा और आपको उसको टैप करके ओपन कर लेना है। जैसे ही आप उसको टैप करोगे तो आपका जो होता है वोटर लिस्ट अर्थात आपका मतदान सूचना पर्ची जो है इस प्रकार देखने को मिल जाता है। आपको जो है इस पेज को लेफ्ट से राइट की ओर जो है स्लाइड करते हुए चले जाना है। यहाँ पर आपको जो है आपका जो है इपिक नंबर देखने को मिल जाता है, आपका नेम देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको अपना एज देखने को मिल जाता है। अगर आप मैरिड हो गए, लेडीज हो गए तो आपका यहाँ पे हस्बैंड नेम देखने को मिल जाता है, आपका स्टेट देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको उसके जस्ट बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी देखने को मिलता है और उसके जस्ट बाद आपको जो है पार्ट अर्थात आपका जो है वोटिंग जो है किस जगह होना है वो डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके जस्ट बाद आपको जो है पार्ट सीरियल नंबर भी देखने को मिल जाता है और उसके लास्ट में आपको जो है एक्शन का सेक्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको व्यू डिटेल्स करके एक ऑप्शन होगा और आपको उस लिंक पर टैप करके ओपन कर लेना है। जैसे ही आप उसको टैप करोगे तो यहाँ पर आपको जो है वोटर्स का डिटेल्स देखने को मिल जाता है। वो सारे डिटेल्स जो कि एक पर्ची में होना चाहिए, वो सारा का सारे डिटेल्स जो है देखने को मिल जाता है कि आपका नेम, आपका फादर्स नेम, वो कौन सा जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपका इलेक्शन जो आप जो कहां पे जाके वोटिंग करोगे वो पोजीशन भी, वो जगह भी आपको सारा का सारा आपको यहां पे देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ आपको जो है वोटिंग का दिन, मतलब किस दिन आपका जो आपको जाके मतदान करना है वो भी डेट जो आपको लास्ट में देखने को मिल जाता है। अगर आप इस पर्ची को डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर मतदान सूचना प्रिंट करके एक ऑप्शन होगा और आप उस पर टैप करके जो है उस
पर्ची को जो था आप डाउनलोड कर सकते हो। आप देखे हो कि ये जो था डाउनलोड हो चुका है और आप इसे टाइप करके ओपन भी कर सकते हो और आप जो था वोटिंग के दौरान इसे ले जाकर जो था इस पर्ची को ले जाकर जो था आप अपना वोटिंग सक्सेसफुली जो था कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कुछ अधिकारी का नंबर जैसे कि CEO हो गया, DEO हो गया, ERO का नंबर आप प्राप्त करना चाहते हो तो आप इस पेज को स्क्रॉल डाउन होते हुए नीचे चले आना। यहाँ पर आपको CEO का नंबर देखने को मिल जाएगा, DEO का नंबर देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको BLO का नंबर जो कि आपको ये पर्ची प्रोवाइड करता है या करती है उन सारे का डिटेल्स होता है, उनका फोन नंबर जो होता है आपको इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आपने जो था इपिक नंबर अर्थात वोटर कार्ड नंबर डाल के होता है वोटर लिस्ट अर्थात मतदान सूचना पर्ची को डाउनलोड करना तो सीख लिया, लेकिन जिन व्यक्ति को इपिक नंबर याद नहीं होगा तो वैसे कंडीशन वो व्यक्ति जो होता है अपना मतदान सूचना पर्ची कैसे डाउनलोड करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको बैक हो जाना है, थोड़ा सा बैक हो जाना है तो आप जो होता है ये वोटर सर्विस पोर्टल पे पहुंच जाओगे। अगेन आपको यहां पे फिर से होता है सर्च इन इलेक्ट्रोल रोल जो कि तीसरे नंबर पे होगा उसको टाइप करके आपको अगेन ओपन कर लेना है। यहां पर आपको सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो कि है सर्च बाय डिटेल्स, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। बाद आपको उसके जस्ट नीचे स्टेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके जस्ट नीचे आपको जो है यहाँ पर भाषा का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपके स्टेट में जो भी जो है सरकारी भाषा चलता होगा यहाँ पर आपको उस प्रकार का ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पर बिहार में हिंदी चलता है इसलिए यहाँ पे मुझे हिंदी देखने को मिल रहा है। उसके जस्ट नीचे आपको जो है उस व्यक्ति का नाम डालना है जो जिसका आप जो है मतदान सूची डाउनलोड करना चाहते हो। सपोज अगर आपका नाम जो है सुरेश कुमार है तो फर्स्ट नेम में आपको सुरेश डालना है और सेकेंड में आपको जो है कुमार डालना है। यहाँ पर आपका जो भी नेम होगा यहाँ पर आपको अपना नेम एंटर कर लेना है। फर्स्ट नेम एवं लास्ट नेम एंटर कर लेने के बाद आप उसके जस्ट नीचे रिलेटिव्स का नाम एंटर करना है। सपोज अगर आप जेंट्स होंगे तो यहाँ पर आपको जो है अपना फादर्स नेम एंटर करना है। इसके अलावा अगर आप लेडीज के साथ साथ अगर आप अनमैरिड होंगे तो यहाँ पर आपको फादर्स नेम ही डालना है। इसके अलावा अगर आप जो है लेडीज होने के साथ साथ आप अगर आप मैरिड होंगे तो यहाँ पर आपको अपने हस्बैंड का नेम डालना है। फर्स्ट नेम में जो था पहला नाम डालना है, लास्ट में होता लास्ट नेम डालना, ठीक है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर कर लेने के बाद उसके जस्ट नीचे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन कर देना है। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं याद होगा तो आपको अपना लगभग जो भी आयु होगा वो आयु जो था आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। मुझे यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ याद है तो यहाँ पर मैं जो था अपना डेट ऑफ बर्थ ही डालता हूँ क्योंकि वो ज्यादा एक्यूरेट रहता है। आपको उसके जस्ट नीचे होता है जेंडर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर को सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको उसके जस्ट नीचे जो होता है लोकेशंस का डिटेल्स आता है, लोकेशन में आपको जो होता है अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है और उसके जस्ट नीचे जो होता है आपको असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एंटर कर लेना है। सबसे पहले आपको जिला एंटर करना है, आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हो आपको वो जिला जो होता है आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके जस्ट नीचे आपको विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंटर कर लेने के बाद आपको उसके जस्ट नीचे कैप्चा का एक सेक्शन देखने को मिल जाता है और कैप्चा वाले सेक्शन में आपको जो होता है अपना प्रॉपर कैप्चा जो कि यहां पे प्रोवाइड किया गया उस कैप्चा को आपको यहां पे एंटर कर लेना है। कैप्चा को एंटर कर लेने के बाद आपको सर्च वाले बटन पे टैप कर देना है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आप देखोगे कि आपने जो डिटेल्स प्रोवाइड किया था उसके अकॉर्डिंग जो था आपका जो था वोटर लिस्ट डिटेल्स जो था आपको यहां पे प्रोवाइड कर दिया गया है। उसके जस्ट बाद आपको उसको स्क्रॉल करते हुए लास्ट में चले जाना है। लास्ट में आपको एक्शन करके एक सेक्शन होगा जहां पर आपको व्यू डिटेल्स करके एक ऑप्शन होगा और आप उसको टैप करके ओपन कर लेना है और यहां पर आपको मतदान का सारा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप इस पर्ची को डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको इस पेज को स्क्रॉल डाउन होते हुए नीचे चले आना है और यहाँ पर आपको प्रिंट वोटर इन्फॉर्मेशन करके एक ऑप्शन होगा और आपको उसको टैप करके अपने पर्ची को जो है डाउनलोड करना है। आई होप दोस्तों कि आज के इस वीडियो के माध्यम से जो है आपने इस मतदान सूचना पर्ची को आसानी से डाउनलोड करना सीख गया। अगर सीख गए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को अपनी फैमिली को जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपकी फैमिली भी जो है ये मतदान सूचना पर्ची को आसानी से डाउनलोड कर सके। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल या डाउट रहता है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम हेल्प ग्रुप को ज्वाइन करके आप अपने सवालों को पूछ भी सकते हो। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, टेक केयर।